वेल एंड सेफ इट्स मिस यू हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा और वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो इयररिंग जो मैंने फिर से बनाए हैं, और ये जो इयररिंग है मैंने किस तरीके से बनाया है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, और उसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा एंड तक बिना स्किप किए, तभी अच्छे से समझ पाओगे और आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं, ये है मेरे इयररिंग्स जो काम के नहीं थे और इन्हें अब मैं रिन्यू करूंगी, और ये है मेरी सिल्वर नेल पॉलिश जिसे आज मैं यूज करने वाली हूँ अपनी इयररिंग्स को पेंट करने के लिए। तो मैं मेरे इयररिंग को ले लूंगी और उसके बाद ये जो उसका ऊपर का एरिया है कुछ सिल्वर कलर का था जो कि बहुत ही डल हो चुका था, तो इसीलिए मैं सिल्वर नेल पॉलिश लगाऊंगी ताकि वो जो शाइन जो है वो फिर से इयररिंग के ऊपर आ जाए। और हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से साइड और कॉर्नर जो है उसको क्लीन कर लेना है अच्छे से, और ऊपर का जो एरिया है उसमें से भी आपको नेल पॉलिश हल्की हल्की निकाल देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो तरीके के डायमंड स्टोन हैं, एक जो है वो साइज में थोड़े बड़े हैं और दूसरे जो है साइज में थोड़े से छोटे हैं, और जो छोटे वाले साइज हैं मैं आपको अब इन्हें दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके के हैं, इनका साइज तो छोटा है पर इनकी शाइन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और ये जो है मेरे को साइज के हिसाब से बहुत परफेक्ट। अब ये वाला जो मेरा डायमंड है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें कोई शाइन वगैरह नहीं है, पर ये वाला जो डायमंड है ये काफी ज्यादा सही लग रहा था मेरे को आज इसमें यूज करने। अब डायमंड्स को स्टिक करने के लिए आपको टॉप कोट का यूज पड़ेगा जो कि आप ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश भी बोल सकते हो, उसको नेल ग्लू भी आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ले ली थी एक छोटी सी स्टिक, और अगर ये नहीं है तो आप मैच स्टिक का यूज कर सकते हैं या फिर टूथपिक का यूज कर सकते हो। और उसके बाद मैंने एक ड्रॉप रख लिया था अपने इयररिंग के ऊपर, और उसके बाद जो जहाँ पे होल था मैंने सबसे पहले उस पर अपना जो बड़ा वाला डायमंड था उसको स्टिक किया था, या फिर आप कहें स्टोन को स्टिक किया था। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर आपके पास कोई मतलब टॉप कोट तो सभी के पास होती है, पर अगर आपके पास कोई ऐसी टॉप कोट है जिसे है ना ड्राई होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो तुरंत जो है वो ड्राई नहीं होगी और उसके बाद जो डायमंड आप रखोगे वो एकदम अच्छे से प्लेस हो जाएगा। तो मैंने सेंटर पे एक स्टोन रख लेने के बाद मैंने साइड साइड पे भी इस तरीके से स्टोन रखे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज और है कि जब आप स्टोन रख रहे हो तो देख लेना कि स्टोन जो है वो एकदम अच्छे तरीके से प्लेस हुआ हो, क्योंकि उससे शेप खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बड़े वाले स्टोन्स को स्टिक कर लेने के बाद अब मैंने क्या किया है, लिए हैं छोटे वाले स्टोन्स जिनके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, वही वाले स्टोन्स को आपको लेना है और कंटिन्यू करते जाना है। तो मैंने दो लाइक एक सेंटर में रखा था और दो साइड साइड में स्टोन्स रखे थे, उसके बाद ये वाले जो स्टोन थे वो मैंने लगातार दोनों लाइन से नीचे की तरफ रखे थे, और मैं इसको पूरा कवर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अगर पूरा कवर करेंगे तो शायद वो ज्यादा अच्छा ना लगे। तो अगर आपकी स्टिक पे टॉप कोट इस तरीके से ड्राई हो रही हो तो आप फिंगर का यूज करके उसको निकाल सकते हो, या फिर आप दूसरी स्टिक का यूज कर सकते हो। अब एक और मेथड है, अगर आप एक एक ड्रॉप रख के टॉप कोट की उसको नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से एक लाइन जो है खींच सकते हो और फिर उसके बाद अपने जो स्टोन्स हैं उन्हें उसके ऊपर रख सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसे सेम इयररिंग नहीं है, क्योंकि सेम इयररिंग होना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम कर सकते हो आप ऐसे किसी शेप के इयररिंग को डेकोरेट कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, और ये जो है अगर ऐसे इयररिंग है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात। और लास्ट में मैं नीचे की तरफ पे ये जो मेरा स्टोन है इसको प्लेस कर लूंगी, अच्छे से स्टिक कर लूंगी, और उसके बाद ये इयररिंग कंप्लीट हो गया, और सेकंड वाले को भी सेम मैंने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, ये थे वो पुराने इयररिंग्स जो बहुत ही डल लग रहे थे और बिल्कुल भी शाइन नहीं थी इसमें, और ये है वही वाले सेम इयररिंग जिन्हें हमने अभी अभी डेकोरेट किया है। आप देख सकते हो स्टोन्स और नेल पॉलिश के लगने के बाद ये कितने ज्यादा अच्छे शाइनी और एकदम परफेक्ट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है न्यू अभी लाए हैं। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छे लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली और उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हो। तो मैं मिलूंगी आपको फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।